बाहर लाकर यथाशीघ्र जुड़ जाए, कुछ नहीं भी जुड़े हैं वो भी जुड़ जाए, दोनों का प्रेम से ही अपनी ओर मिला लेना है। हमें एकता अगर बनी रहेगी तो कोई मायके लाल, कोई ऑफिसर, कोई कुछ हमारा बिगाड़ नहीं सकता है और हम लोग अपने लक्ष्य को जरूर प्राप्त कर लेंगे। बस इतना ही कहूँगा और इतना कह के मैं अपने स्थान पर रहा। अभी हम लोग के बीच में विनोद चौधरी जी का विचार आया है, उन्होंने युवा पीढ़ी को बोल रहे हैं आगे आने के लिए। तो कहने का मतलब ये ऐसा संघ है और एक ऐसा जगह से हम लोग जुड़े हुए जो शिक्षा का क्षेत्र है। इसमें जरूरी नहीं कि ज्यादा युवा हो, हो सकता है ज्यादा बुजुर्ग भी हो, तो उस सब चीज को ध्यान में रखना है। यहाँ पर कोई राजनीतिक पार्टी का संगठन नहीं है, इसमें युवा लोग को जोड़ देना है, जबरदस्ती जाएगा वहाँ। अब विद्यालय में बच्चों के पठन पाठन का जिम्मेवारी दी गई, परिणाम स्वरूप पूरे झारखंड के सभी स्कूलों में शिक्षा का प्रसार प्रसार हुआ है। लगभग सभी गांव स्कूलों से जुड़े हैं, वहां के बच्चे स्कूल पहुंचे हैं और ये सारा श्रेय जो जाता है वो हम सभी पारा शिक्षकों के ऊपर। लेकिन वो ठीक, कोई बच्चा रोता है, भूख लगी है तो उसके एक चॉकलेट पकड़ाए तो भूख को भूल जाता है, ये नौबत आ जाती है। इसी तरह हम लोगों को भी करता है, हड़ताल करता है, कभी समय मांगा जाता है, कभी नियमावली बनाई जाती है। तो क्या वो उतने मूर्ख लोग हैं जो महीना दो महीना चार महीना तक नियमावली बनाते रह जाते हैं? ऐसी तो बात नहीं होगी। ये सरासर झूठ है, ये ठगने का काम हो रहा है। रह गई अब हम लोग कैसे लेंगे, तो इसके लिए हम लोगों को तत्पर रहना होगा, तत्पर रहूंगा और रहना होगा तब तक जब तक कि हम लोगों की संपूर्ण मांगों पर वो पहल न करे, वो हामी ना, हमें 100% सफलता की गारंटी लेनी होगी अपने आप से। वर्तमान में जो यहाँ उपस्थिति है, मुझे नहीं लगता है कि हम लोग 25% भी बैरमो प्रखंड या अभी तो चंद्रपुरा प्रखंड बना है, लेकिन बैरमो प्रखंड के जो अगर हम संयुक्त रूप से बात करें तो क्या आप अपने आप से पूछिए कि आप अपनी संख्या के 25% भी